टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। कोरोना काल में जहां कंपनियां कर्मचारियों की छटनी और सैलरी में कटौती कर रही है, वहीं इस कठिन परिस्थिति में बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में यूपी ट्विगा फाइबर ग्लास कंपनी ने 30 साल से काम कर रहे 60 कर्मचारियों को यह कहते हुए कंपनी से बाहर निकाल दिया कि अगर आपको कंपनी में काम करना है तो आपको CRS यानी कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम को साइन करना होगा, जिसके बाद कर्मचारी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कंपनी के गेट पर धरना दे रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सामाजिक दूरी के लिए बनाए गए गोल घेरों में बैठकर कंपनी के गेट पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे इन लोगों के लिए आज उस कंपनी के दरवाजे बंद हो गए। जिस कंपनी के नाम इन लोगों ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगा दिया। वर्कर्स की माने तो यहाँ धरना दे रहे ज्यादातर कर्मचारी कंपनी में पिछले 30-35 साल से काम करने वाले परमानेंट वर्कर थे। कोरोना महामारी के संकट काल में जहाँ कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर रही हैं, तो वहीं इन लोगों की नौकरी पर भी कोरोना में तलवार लटक गई। यहां काम कर रहे वर्कर्स ने बताया कि कंपनी प्रबंधन द्वारा कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में इन लोगों को कंपनी न आने के लिए कहा गया था। वहीं अनलॉकिंग के बाद अब कंपनी प्रबंधन द्वारा इनसे कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम फॉर्म पर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि ऐसे 93 लोग थे जिनको बाहर किया गया था। 33 लोग CRS पर साइन करने के बाद अंदर ले लिए गए, जबकि 60 लोग यहां धरना देने के लिए मजबूर हैं। धरना दे रहे लोगों की ओर से बताया गया कि कंपनी प्रबंधन की मनमानी के चलते इनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में इनके परिवार को खाने से लेकर दवा गोली तक में परेशानी उठानी पड़ रही है। कोरोना काल में पहले ही कई तरह की परेशानी झेलने वाले इन लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हम यूपी ट्यूगा फाइबर ग्लास कंपनी में कार्यरत हैं जी। 34 साल हो गए काम करते करते, फिटर पद पर कार्यरत हूँ। और इन्होंने मार्च से ही घर बैठा रखा, लेकिन जून तक तो इन्होंने पूरी सैलरी दी। जुलाई, 1 जुलाई से इन्होंने ले ऑफ लगा दिया, तो ले ऑफ में आधी तनख्वाह कर दी। ठीक है, ले ऑफ का मतलब होता 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, नियम है। लेकिन ये ले ऑफ के अपनी उससे बढ़ाते जा रहे हैं। हमने इस बाबत असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बुलंदशहर और डिप्टी लेबर कमिश्नर गाजियाबाद, वहाँ हमने लिखे, इन्हें भी बुलाया, हमारे दोनों की वार्तालाप कराई, और इसी बीच इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया मेरा पवन शर्मा का। वहाँ हमने बात करी डिप्टी लेबर कमिश्नर से, उन्होंने तुरंत इनसे कही कि ट्रांसफ़र का कोई नियम ही नहीं है, ट्रांसफ़र तुम कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा ठीक है जी। उसके बाद वो कोरोना ग्रस्त हो गए, तो ले वो बंद हो गया। इन्होंने दोबारा लगातार 60 दिन का ले ऑफ कर लगातार बना कर दिया, और हमारी तनख्वाह भी ख़त्म कर दी। जब तनख्वाह नहीं है, ना खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसलिए हम धरने बैठे हुए हैं कि हमारे जो 60-70 आदमी हैं उन्हें तो अंदर लो। हमारी कोई मांग ही नहीं है, केवल अंदर लेने की मांग है, और कोई मांग नहीं। क्या कहते हैं कंपनी वाले? कंपनी वाले बात करने को तैयार ही नहीं होते। अच्छा, इतनी देर से आप धरने पर बैठे आए, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हमें हमारे उजाला भाले हुए, आप आपने भी बात करी, लेकिन आपसे ही बात करने को तैयार नहीं है। और
इससे पहले भी आपने बात करी होंगी? हाँ, पहले भी बात, पहले बात नहीं करी इन्होंने। अच्छा, कोई बात पहले भी कोई यहाँ से कोई फोन वगैरह जाता नहीं? आप घर पे हैं तो भी कोई कॉल नहीं आती? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने जो है 40 आदमियों के साथ प्लान चला रखा अंदर। अच्छा, वो किसी को निकालना हो उस समय ड्यूटी कर देते हैं, आ जाओ ड्यूटी कर लो, यहाँ आके VRS का फॉर्म भरवा लेते हैं और उसे 3 दिन बाद उसे बाहर कर देते हैं। इसलिए इसी के चक्कर में इन्होंने कम से कम 25-30 आदमी खा गए। ठीक है, मैं ऑपरेटर के पद पर ड्यूटी करता हूँ। किस कंपनी में कार्य करता हूँ? UP ट्रेन का फाइबर ग्लास में। अब क्या परेशानियाँ हो रही है? अब हमको परेशानी हो रही है कि हम जो है पहले कोरोना में बाहर कर दिए कि कोरोना आ रहा है, उसके बाद जो है इन्होंने जो जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा हम ड्यूटी ले लेंगे, किसी को बताया भी नहीं। उसके बाद इन्होंने नोटिस लगा दिया कि ले ऑफ में इन्होंने जो किसी को भी नहीं बताया, ले ऑफ में ले लिया। अब ले ऑफ में फिर भी VRS फार्म भरवा लगे, जो लोग अंदर हैं रिजाइन दे दिया उन्होंने, VRS से ज़बरदस्ती भरवा लिया इन लोगों से। जो ये लोग 60 आदमी अभी बाहर हैं, 40 आदमी एक प्लांट चला रहे हैं, वो अंदर काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे फार्म भरवाते हैं और हमसे भी किसी पे फ़ोन करते हैं अंदर आ जाओ, लेकिन पहले रिजाइन फार्म VRS फार्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ड्यूटी तुमको लेंगे। ऐसी समस्या आ रहे हैं, पास में पैसा नहीं है, बच्चे बीमार हैं, खाने को राशन नहीं है, क्या करेंगे आदमी? कब से तनख्वाह नहीं मिली आपको? तनख्वाह आधी मिल रही है, पिछले महीना से आधी मिल रही है, आधी में काम नहीं चल रहा। जब हम 20-30 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये कमाते थे, अब 5-5, 4-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, इसमें कैसा खर्चा चलेगा? जब 20 हज़ार में ही काम ना चलता था, 5 या 10 हज़ार में, 4 हज़ार में कैसे काम चलेगा हमारा? घर कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना? घर परेशानी, बच्चे बीमार हैं, उनकी दवा नहीं आ रही, खाने को राशन नहीं आ रहा है, सारी परेशानी आ रही हैं, बीमार पड़े हैं बच्चे, खाने को राशन नहीं है। अब कंपनी ने कितने लोगों को बाहर निकाला है? अब कंपनी ने 60 आदमी बाहर हैं हमारे, बाकी 40 आदमी जो है अंदर प्लांट चला रहे हैं, उनमें कुछ जो है रिटायरमेंट है जिन्होंने जो VRS फार्म भरवा लिया, उनसे कुछ VRS वाले हैं और कुछ रिटायरमेंट वाले आदमी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्हें वो भी ड्यूटी पर बुला रखे हैं और जो वैसे ड्यूटी करने लागे वो गेट पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो कितने वर्षों से आप इस कंपनी में कार्य कर रहे हैं? इस कंपनी में मैं 17 वर्ष से काम करता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन ऑपरेटर पर 17 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और एक झटके में आपको बाहर कर दिया? एक झटके में बाहर कर दिया और बताया भी नहीं किसी को, किसी की 30 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 25 साल है, 4 साल है, ये सब लोग बाहर कर दिए। आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की है इनसे? कांटेक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन ये बात करने को राजी नहीं है, मिलते ही नहीं है किसी से, बात ही नहीं करते हैं। पहले भी करा था, आज भी कर रहे हैं, बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई फ़ोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या कदम उठाएंगे अब आप? अब कदम जब तक हमारी हमको ये अंदर नहीं लेंगे, जब तक ऐसे जहाँ तक कोशिश होगी कदम उठाते ही रहेंगे, भगते रहेंगे, क्या करेंगे। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन से बातचीत के बाद बताया कि वर्कर्स का मामला डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट गाजियाबाद में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 18 सितंबर है। DLC के आदेश के बाद कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमने कंपनी प्रबंधन से बात करके पता किया कि इनके दोनों के बीच का एक DLC गाजियाबाद में डेट 18 तारीख लगा हुआ है, 18 सितंबर, और 18 सितंबर में जो भी आदेश निर्देश होगा उसका पालन करवाया जाएगा, इस आश्वासन के इन लोगों से बात कर रहा हूँ। जो यहाँ ये वर्कर्स हैं इनकी ओर से एक आदेश कॉपी दिखाई जा रही है जिसमें जो ट्रांसफ़र है कंपनी किसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, इन लोगों का ऐसा आरोप है कि फिर भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस संबंध में मैंने इनके जो भी प्रभावी व्यक्ति हैं इनसे बता दिया कि ये सब बातों को इकट्ठा करके एक लिस्ट बना के DLC में अपना पक्ष रखें और उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं वो उस सभी डिसीजन का पालन करवाया जाएगा। ऐसा मानते हैं आप कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में वैसे ही लोग परेशान हैं, कंपनी ऐसे मनमानी करेगी तो आम लोगों को और वर्कर्स को कई दिक्कत होगी? कंपनी में मैं जाकर मैनेजमेंट में अंदर बात किया तो कंपनी ने कहा कि चूंकि हमारी सप्लाई आगे नहीं हो रही तो इसे मैनेजमेंट करने के लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत लोगों को प्रोडक्शन कम करना है, तो ज़्यादा लोग थे इसीलिए हम इसमें थोड़ा बहुत छटनी करके नियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।
कुल मिलाकर पहले आर्थिक तंगी की मार झेल रहे इन लोगों की सारी आस और उम्मीद डीएलसी से बंधी है, जबकि इन लोगों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन पूरी तरह मनमानी पर उतारू हो चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अब इन कर्मचारियों का होगा क्या। ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी खबरों को देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी खबरें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।